अंत नैमेन नम स्वाहा स्वाहा ओम वरुणाय नमः। आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बात है, कमाल चीज़ें, कमाल जगह, कमाल के व्यक्ति सूर्य गुरु प्राप्त रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खा सुने जा रहा है। आज विजयादशमी और दशमी का ही हवन पूजन होता है। तो सबसे पहले यंग जागृति क्लब चलते हैं और वहाँ का कुछ क्लिप लेते हैं और इसके बाद झरीवासी मंदिर, यानी कि दोनों जगह कोशिश करेंगे। शायद गोदाम पर भी अगर शायद समय से पकड़ा जाता तो वहाँ का भी क्लिप लगा दूँगा। तो आइए चलते हैं, हवन पूजन का ये ब्लॉग दिखाएंगे। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिएगा। आय नमः स्वाहा। जल गिरा दीजिए थोड़ा सा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम वैष्णवे नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज विजयादशमी है और दशमी का ही आज हवन होता है। प्रारंभ है हवन के बाद संध्या, हर एक जगह विसर्जन होता है मूर्ति, लेकिन यहाँ विसर्जन कल विसर्जन है। तो हो सकता है कि आप सब को विसर्जन का भी ब्लॉग दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल हवन हो रहा है, तो हवन रावण दहन का भी कमिटी द्वारा यह निर्णय लिया गया और रावण का पुतला भी बन गया है। शाम को ब्लॉग स्पेशल होगा, तो आप कंटिन्यू कर ले, आप हवन पूजन का ब्लॉग देखें। पाषाण खंड के रूप एक लागे बड़ा हुआ है, आज को बड़ा हुआ है। उस पर सोपारी रहता सबसे पहले सोपारी रखिए, आचत रखिए, आप दूसरा डिजाइन बना हुआ है, उसका ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शैडो आ रहा है उधर से, अपोजिट लाइट है। तो हमारे प्रवेश सिंह हैं जो कि रावण का ये पुतला तैयार कर रहे हैं। कितना दिन हो गया चाहे इसको बनाने, पांचवा दिन हो गया और आज ही संध्याकालीन इसे विस्फोटक यानी कि जलाया जाएगा, मैंने पुतला दहन होगा, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट हो जाएगा ये तो कह रहे हैं हो जाएंगे, लेकिन मैंने अभी तक हमको नहीं लगा, लेकिन देखते हैं शाम को मिलेंगे। हमारे पंचायत के प्रतिनिधि अजीत कुमार सिंह जी हैं पंचायत समिति, और मुकेश जी के इधर पंडोई साहब हैं। तो अभी इधर से सही अपोजिट लाइट के चलते थोड़ा फेस क्लियर नहीं है, तो यह देख रेख में निगरानी करते हुए ये देख रहे हैं। और उधर हेवन का कार्यक्रम प्रारंभ है, तो पहले आप सबों को हेवन का क्लिप और कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ ही साथ ये आया था ये दिखाने, तो आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। और आइए चलते हैं। देख सकते हैं और अभी अभी उपस्थित हैं कोषाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी और साथ में जितेंद्र भाई ही आ रहे हैं। सभी कमेटी के सदस्यगण निगरानी के नज़र रखते हुए सभी आ रहे हैं, जो शाम तक कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये थोड़ा सा जायज़ा लिया जा रहा है। ये रावण का जो पुतला बन रहा है और हमारे कलाकार पाँच दिन से लगे हुए हैं और अभी तक इस तरह का स्ट्रक्चर बना पाए हैं, और इसमें तकरीबन 30,000 से 40,000 की बम पड़ाके लगाया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं सभी आ चुके हैं और एक जो भी है, और इसके अंदर में जो देख सकते हैं अंदर से वर्क हो रहा है, अंदर में है फोटो। Thank you.
दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हवन समाप्ति की ओर है, मात्र एक आहुति बचा है और कुछ समय में वो आहुति पड़ जाएगी। और उधर खिचड़ी महाप्रसाद वितरण प्रारंभ है और उसका भी क्लिप दिखाएंगे, तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहेंगे। मात्र एक आहुति का पूर्ण आहुति पड़ गई। किया गया है
तो आप तमाम श्रद्धालुओं से समय के सारे अनुरोध होते हैं कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।